जब मुझे फर्स्ट टाइम तैयार होते देखा तो आपको क्या लगा कि कौन है? एक मियाँ बीवी का रिश्ता, चलो मैं लेके आती हूँ, बहुत इज्जतदार वाला होता है, लेकिन जो इससे पहले हमारा रिश्ता था बेस्ट फ्रेंड का, तो क्या वो वैसे ही रहेगा? कितना खुश रखोगे? हम पिता बहुत। अगर मैं रोई तो? आप रोएंगी क्यों? अच्छा, दूसरी बात की मेन रीजन ये थी कि निकाह में मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से इनके बारे पूछा था कि फातमी आपको ये पसंद है, अगर आपको ये पसंद है तो मैं उसी वक्त हाँ कर दूंगी, अगर आपको नहीं पसंद तो मैं नहीं करूंगी। और दूसरा उनका थैंक यू जो हमारी शादी पे आए, तीसरा उनका थैंक यू जो नहीं आए, और उनका भी शुक्रिया जिन्होंने दुआओं में याद रखा। हाँ, उनका भी शुक्रिया जिन्होंने दुआओं में याद रखा। अच्छा, सबसे पहले ना बहुत से सवाल के बहुत से जवाब हमने देना, सबसे पहले ये सवाल का जवाब दे दे, आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? पहले ये बताएं कि मैं कितने दिन बाद आपके पास आया हूँ और क्यों आया हूँ, ये भी बता दो ना कम से कम। हाय अल्लाह। हाँ, अच्छा जी, मुझे इन्होंने बहुत मुश्किल से ये आज आए हैं, बल्कि मुझे बुखार हुआ है तो आए हैं आप, और ये फ्लावर मेरे लिए लेके आए हैं, पकड़ा दो। थैंक यू सो मच, आपका आपके फ्लावर का थैंक यू। पता चला है कि मेरे चांद को बुखार है, मैंने कहा चलो थैंक यू। और आपने टाइम निकाला उसके लिए भी, बहुत थैंक यू, बहुत मुश्किल से इन्होंने टाइम निकाला। मैंने कहा कुछ लोग बहुत से सवाल कर रहे हैं, मुझे उनके जवाब देने हैं, तो काइंडली आप मुझे 5 मिनट दें, तो आपके 5 मिनट होते हैं स्टार्ट, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका टाइम ज़ाया हो, और आप टाइम देखने लगे कि स्टार्ट हो गया टाइम। अच्छा, जल्दी जल्दी। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं, लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी हमारी? हाफ हाफ था, मतलब लव भी था अरेंज भी था। अच्छा, दूसरी बात ये कि निकाह करने की इतनी जल्दी रीज़न क्या है? देखिए कि हम एक साथ काम कर रहे थे और बहुत सारे लोगों का ये होता है कि यार क्या कुछ हो रहा है, तो मेरा माइंड ये था कि यार हम अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो हम अगर ये रिश्ता जो है एक पाक साफ बना दें। जारी बात है, हमारा रिश्ता पहले भी पाक साफ था, क्योंकि हम एक दोस्त तलक के साथ मतलब बना रहे थे। सिर्फ लोगों की बातों को चुप करने के लिए हमने निकाह किया ताकि हम इजीली काम कर सकें। तीसरा ये है कि कहा था कि ये करते क्या है, तो आप अपने बारे में जरा डिटेल दें, आप करते क्या हैं? मैं एंकर हूँ और मैं प्रोग्राम करता हूँ, मेरी मिलियंस में वीडियोज अल्हम्दुलिल्लाह होती हैं, आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं और सही बात है कि मेरी वीडियोज़ देखते हैं। मैंने बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज के इंटरव्यू किए हैं और मैं पॉलिटिकल बीट करता हूँ, क्राइम भी करता हूँ और मोटिवेशनल स्टोरीज भी करता हूँ, तो पाइनल हार्ट न्यूज़ के न्यूज़ के अच्छा। से एक चैनल है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ और जिस पर ये मैडम साहब अभी काम कर रही हैं। अच्छा, बहुत से लोगों ने कहा है कि ये उस्ताद और शागिर्द ने आपस में शादी कर ली, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, उस्ताद शागिर्द की बात ये थी कि सही बात है, मीडिया फील्ड में मैं आपको लेके आया था तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उस्ताद शागिर्दी वाला बना लिया, लेकिन देखेंगे आप माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड थी लेकिन अगर उस्ताद शागिर्दी वाला रिश्ता था तो हमने उस रिश्ते को अजीम बना दिया ना, मतलब कि हमने निकाह में वैसे मैं आपको सर कहती थी, मुझे आपने वैसे स्टडी नहीं करवाई, आपने वैसे किया क्या है ये भी बता देना। मैंने जो रिश्ता किया है स्टडी में क्या किया है? अच्छा, मैंने बहुत कुछ किया है। आपने अब सम्मान किया है और मैंने अब निशान किया। ओके, अच्छा तो अलमानी, अब आपकी मतलब आपका निकाह हो चुका है, मेरा निकाह हो चुका है, जाहिर हम दोनों का निकाह हो चुका है, आप मुझे बताएं कि अब आप इस निकाह से कितना खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। और कितनी देर सही बताओ ना, कुछ लोग होते हैं वो जल्दी से थक जाते हैं, तो मैं पूछ रही हूं। नहीं, बिल्कुल थकने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखें कि हमने एक बेपाक रिश्ते को अजीम बनाया, तो कोई मसला नहीं है, हम इंशाल्लाह हमेशा खुश रहेंगे और हमेशा जो है वो मुस्कुराते रहेंगे इंशाल्लाह। अलमानी, एक और सवाल मुझे बताएं, शादी करने की अहम जो वजह थी, रीज़न क्या थी? अच्छा, एक तो आपने ये पूछ लिया, ये भी बड़ा सवाल है और एक और भी सवाल है, दरवाज़ा बंद करो, उसका भी बता देता हूँ, रख दो इधर। अच्छा, दो चीज़ें हैं, एक तो आपने कहा कि शादी जल्दी करने की रीज़न क्या थी, शादी नहीं अभी निकाह हुआ है और अभी हमें रुखसती नहीं हुई। हाँ, निकाह करने ये भी लोग बहुत सारे पूछ रहे हैं, बहुत सारे मेरे जो चाहने वाले हैं या आपके चाहने वाले कहते हैं आपने बुलाया नहीं है, तो उनको हम बताते चले कि अभी हमारी सिर्फ हमारा निकाह हुआ है, अभी रुखसती नहीं हुई, रुखसती होगी इंशाल्लाह हम दोस्तों को बुलाएंगे और इसके साथ भी है ना
एक तो दूसरी बात ये बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई आपकी उम्र कितनी है और आपकी उम्र कितनी है, तो हम बस 6 माह का फर्क है, इतनी नहीं हाँ। उम्र वो बस मैं खाती पीती नहीं और ये माशाल्लाह दो दो नान खाते तो इसलिए कि अच्छा, ये और सबसे पहले कि आपको इस रिश्ते से किसी ने तनकीद वगैरह की कि आप क्यों कर रहे हैं या ये वो नहीं, लोगों के आप देखे कि लोगों का काम होता है जिसमें पॉजिटिव भी देखते हैं नेगेटिव भी देखते हैं, बहुत से लोग बातें करते हैं तो इन चीजों को मैं नहीं फोकस करता। अच्छा अलमानी, आपने जब मुझे फर्स्ट टाइम तैयार होते देखा तो आपको क्या लगा कि कौन है, सच बताना? आपको फिर प्यार तैयार होते देखा तो वो प्यार ही आ गया। अच्छा चल बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपको हमारे जो फैमिली या रिश्तेदार सब कैसे लगे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल हैं और बहुत इज्जत करने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी नेचर बहुत अच्छी है, काबिल एहतराम है मेरे लिए। ज़ाहिर बात है कि एक रिश्ते में हम जब बदल चुके हैं तो मेरे लिए सब काबिल एहतराम है जो आपके लिए। अच्छा अलमानी, मेरी बात सुनो, एक मियाँ बीवी का रिश्ता चलो मैं लेके आती हूँ, बहुत इज्जत वाला होता है, लेकिन जो इससे पहले हमारा रिश्ता था बेस्ट फ्रेंड का, तो क्या वो वैसे ही रहेगा? जहरी बात है, क्यों नहीं, क्यों हम हाँ पहले हमारा कुछ चीज़ों में सिर्फ जो है ना वो कहते हैं कि चेंजिंग आएगी, लेकिन ये है कि वो रिश्ता हमारा पहले भी बहुत हसीन था। कितना खुश रखोगे? हम बेटा बहुत, अगर मैं रोई तो? आप रोएंगी क्यों? अगर मैं रो पड़ी तो? नहीं, आप रोएंगी क्यों मुझे ये बताएं? अगर मुझे पता है मैं रोई पड़ी तो ये भी रो पड़ेंगे, कोई बात नहीं अलमाने, कुछ नहीं होता। और मुझे पता था ये मेहंदी में रोने लगे थे, मैं अगर चुप ना होती तो इन्होंने रो पड़ना था, तो अगर ये रो पड़ते तो क्या रहता? ये होते हैं दुख तो होते हैं, ऐसे ऐसे नहीं है। ये क्यों ऐसे रो रही है, ये क्यों रो रही है? हाँ चलो रोना बनता था। अच्छा और भी सवाल आपने और कुछ कहना है? नहीं बस आप सबका प्यार का बहुत शुक्रिया और मैं आज के बाद शामिल हो चुका हूँ और आप व्लॉग में अक्सर आता हूँ, उनको मसरूफियात होती हैं, अगर किसी व्लॉग में नहीं आ सकता उसके लिए माज़र, नेक्स्ट आप जो भी व्लॉग आएंगे उन व्लॉग में आपको मुझे देखेंगे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा लें, हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ जो है वो भी आप देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मेन रीज़न ये थी कि जब इन्होंने मेरे घर रिश्ता भेजा था तो मैंने कहा आप मम्मा पापा से इजाज़त लें, देन क्योंकि ये तो मुझे पसंद करते थे मुझे पता था, लेकिन मैं कहती थी कि अच्छी नेचर के हैं अगर मिल जाएंगे तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं, लेकिन मेरे मम्मा पापा को मैंने पहले आगे रखा कि अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है कर लेते हैं, तो मेरे मम्मा पापा ने भी हाँ कर दी, क्योंकि चलो बहुत शुक्रिया। और यही बात होनी चाहिए, अगर आप मोहब्बत करो तो उसको निकाह में बदलो, वरना आप मोहब्बत बिल्कुल ना करो। अच्छा दूसरी बात के मेन रीज़न ये थी कि निकाह में मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से इनके बारे पूछा था कि फातमी आपको ये पसंद है, अगर आपको ये पसंद है तो मैं उसी वक्त हाँ कर दूंगी, अगर आपको नहीं पसंद अच्छा, तो एक, मैं एक, नहीं करूंगी। सुन रही होगी जब ये रिश्ते की बात चलने शुरू हुई थी उस वक्त सबसे ज्यादा जो डर था ना वो मुझे फातिमा का था, क्योंकि आपको पता है मैंने बस फातिमा की बात मानी थी और किसी की बात नहीं मानी थी, कहानी जो है वो तमाम हो चुकी। हाँ तो देखो वो मेरी फातिमा वो मेरे अच्छे बुरे का सबसे पहले जानती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं इनसे बेस्ट कोई नहीं है, तो मिल गए तो बहुत शुक्रिया। 5 मिनट खत्म हो गए हैं, सॉरी। अच्छा यहाँ तो एक वैसे 7 मिनट हो गए। अच्छा चले ठीक है, हम इधर अपने ब्लॉग का करते हैं वाइंड अप, तो फिर अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, ओके टेक केयर, बाय बाय, सी यू।